नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। युवा रोजगार विरोधी, भाषा विरोधी, तुष्टीकरण की राजनीति और अब सरकारी शिक्षा व्यवस्था का अपमान। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर परमेश्वर उरांव जी के द्वारा रांची विश्वविद्यालय के तत्वाधान में प्राइवेट स्कूल ऑफ एसोसिएशन के सभा कार्यक्रम में उनका बयान। निजी स्कूल न होता तो गुणवत्ता पूर्व शिक्षा में पिछड़ जाता। झारखंड माननीय मंत्री जी के इस बयान से सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण कार्य लगे शिक्षक शिक्षिकाओं का अपमान हुआ है। उन्होंने सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को हर तबके तक पहुँचाने एवं शिक्षा व्यवस्था को मजबूती के लिए करोड़ों के फंड राज्य सरकार को मुहैया कराती, परन्तु दुर्भाग्य ऐसे जन विरोधी हेमंत का सरकार के मंत्रियों का जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था का अपमान करते हैं। हमारे प्रदेश के सरकारी शिक्षक शिक्षिका गणों पाठ पठन के अलावा और सारे सरकार के कार्यों को करते हैं, जैसे शिक्षकों को पीडीएस दुकानों में ड्यूटी का आदेश किसने दिया, राशन कार्ड सत्यापन में किसके आदेश से सरकारी शिक्षकों को लगाया गया, शिक्षकों को घर घर चावल बांटने का आदेश किसने दिया, किसके आदेश पर सरकारी प्राथमिक शिक्षा में एनजीओ का हस्तक्षेप एवं उनके दिशा निर्देश पर विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों को लागू किया गया, लंबे समय से बीएलओ कार्य में सरकारी शिक्षकों को किसके आदेश पर लगाया गया, इसके साथ ही शिक्षकों से और भी अन्य कई तरह के गैर शैक्षणिक कार्य क्यों करवाए जाते हैं, क्या निजी विद्यालयों के शिक्षकों से उक्त कार्य करवाया जाता है, निजी विद्यालयों के छात्र और उनके अभिभावकों तथा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं उनके अभिभावकों के बीच गहरे सामाजिक फासले की क्या उन्हें जानकारी नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विगत 3 दिन पूर्व डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का एक बयान आया, निजी स्कूल न होता तो प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। मैं इस बयान का विरोध करता हूं, क्योंकि इस बयान से प्रदेश में सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में लगे सभी शिक्षक शिक्षिका गणों का अपमान हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए करोड़ों फंड मुहैया कराती है, परंतु इस प्रकार के मंत्री जी के बयान से कहीं ना कहीं जन विरोधी, भाषा विरोधी, तुष्टीकरण राजनीतिक और अब सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था का विरुद्ध अपमान करना, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था में लगे शिक्षक शिक्षिकाओं गणों का अपमान है। R9 भारत के लिए हेमंत कुमार कश्यप की रिपोर्ट, लातेहार बरवाड़ी से। लोहरसी को प्रखंड बनाने हेतु उच्च विद्यालय लोहरसी के प्रांगण में एक दिवसीय भूख हड़ताल। पलामू जिले के पिपराटांड थाना अंतर्गत लोहरसी को प्रखंड बनाने को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। लोहरसी को प्रखंड बनाने हेतु प्रखंड संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा कुछ दिन पहले प्रखंड कार्यालय पांकी में ज्ञापन सौंपा गया था। तदउपरांत लोहरसी प्रखंड संघर्ष समिति आज दिनांक 13 सितम्बर 2021 को एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे है। आपको ज्ञात हो की 80 से 90 के दशक में लोहरसी को प्रखंड बनाने हेतु नींव रखी गई थी, लेकिन अमानत नदी के पार लोगों को छलने का काम किया गया है। लोगों ने बताया कि तहरसी एवं लोहरसी को प्रखंड बनाने की मांग एक ही समय पर रखी गई थी, परंतु तहरसी को प्रखंड बना दिया गया लेकिन लोहरसी को अब तक प्रखंड नहीं बनाया गया। अब देखना यह है कि लोहरसी प्रखंड संघर्ष समिति के द्वारा संघर्ष की चिंगारी जलाई गई है वो कहां तक सफल होती है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। मौके पर उपस्थित सभा अध्यक्ष राजकुमार दुबे, लवली देवी, रणधीर सिंह, कामरेड अविनाश जी, मुकेश सिंह चंदेल, नारो सिंह, अजीज मियां, इजहार अली हैदर, राजकुमार यादव, बलवंत सिंह, अरविंद सिंह, मोहम्मद गुलशन एवं सात पंचायत के संबंधित जनतागढ़ मौजूद रहे। आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं, ये ताकत देता है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिस तरीके से बाकी साथियों ने पहले बात कहा था कि भाई ओबीसी और यहाँ पर कास्ट के लोग, हिंदू या मुस्लिम हो, तमाम लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हुए और एकता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये देखने को अच्छा लगता है। संघर्ष हमेशा एकता को जन्म देता है, जब भी हम संघर्ष करते हैं तो हमारा एकता बढ़ता है और इसी एकता को बरकरार रखते हुए हम किसी चीज को पा सकते हैं या जो लड़की प्रखंड बनाने का लड़ाई है उसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, मैं इसमें क्योंकि तमाम बातें आ चुकी है, मैं बस एक बात करना चाह रहा हूँ कि लोहरसी प्रखंड बनाने की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम बाकी लड़ाइयों को भी जोड़ सकते हैं।
जब पहली बार झारखंड बंदी लड़ाई शुरू हुई थी, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको पार्टी नहीं हुआ करती थी, आज पार्टी है, उस जमाने में पार्टी नहीं थी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बना था, वो कोई पार्टी नहीं थी। तो ये जो मोर्चा बना था वो मोर्चा छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाने का जो मोर्चा बना था, उस मोर्चे के सारे ये लाइन उठा के छत्तीसगढ़ मोर्चा छत्तीसगढ़ बनाना है, वो बात करते थे कि भाई छत्तीसगढ़ की जो स्थिति वो कैसे बेहतर करेंगे। तो हम लोहरसी प्रखंड माने के साथ जो लोहरसी के रोड का सवाल है, जो लोहरसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सवाल होना चाहिए, जो लोहरसी में प्लस टू की पढ़ाई का सवाल होना चाहिए, जो लोहरसी में कॉलेज का सवाल होना चाहिए, इन तमाम सवालों को इसमें जोड़े हम तमाम सवालों को, किसानों का सवाल है कि किसानों को जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है, किसानों को नहर में पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इन तमाम सवालों को हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है। और इन्हीं सवालों को लेकर के, क्योंकि लोहरसी प्रखंड क्यों बनना चाहिए, हो सकता है बहुत बोर लगे कि भाई लोहरसी प्रखंड बनाना मतलब इच्छा है कुछ लोगों का, जो कुछ लोग नेता है वो चाहते हैं कि भाई हम बना देंगे और इससे हमारा वर्चस्व साबित हो जाएगा, तो ये इच्छा नहीं है। लोहरसी प्रखंड बनाना न किसी की इच्छा नहीं है, ये जरूरत है हमारे, और ये जरूरत है जरूरत को पूरा करने के लिए, जब तक जो तमाम लोग हैं इस लोहरसी प्रखंड के प्रस्तावित लोहरसी प्रखंड के, जिसमें गोविंदी और उदयपुरा के भी लोग हैं, ये तमाम लोग जब तक इकट्ठे होकर के हम लोग आंदोलन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम लोहरसी प्रखंड को नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि उनके सवालों को भी, जनता के आम सवालों को भी, किसानों के सवालों को, दलितों के सवालों को भी इस आंदोलन के साथ जोड़िए। और 27 तारीख को किसान आंदोलन ने पूरे भारत को बंद करने का एक कॉल दिया है, वो कॉल दिया है कि भाई जो किसानों को है एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए, जो किसानों को है वो सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए, किसानों को बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। तो ये जो सवाल है, ये सवाल क्योंकि मैं नारा देखता हूँ जब आपका आपके जो बैनर लगा हुआ है, बैनर में आपने सबसे ऊपर लिखा हुआ है जय जवान जय किसान, तो वो जय जवान जय किसान जवानों किसानों दोनों को साथ लेकर चलना है, तो किसानों का जो मांग है हमको उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, और तभी इस बनाने की जो हमारी लड़ाई है वो आगे बढ़ पाएगी। इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि 27 तारीख के कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझे, 27 तारीख के कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझते हुए एक एक हुजूम निकालते हुए और लोहरसी प्रखंड बनाओ समिति के बैनर तले एक भारत बंद का जो कॉल है सफल कीजिए, हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। मेरी सचिवों के साथ मेरी बात को खत्म करता हूँ, इंकलाब जिंदाबाद। घर से भी समय निकाल के हम लोग के बीच आते हैं, हम लोग के अभिभावक आदरणीय बीएन सिंह जी कबर के मीटिंग में उपस्थित थे, लेकिन वो कहकर गए थे कि हम हो सकता है कि अब नहीं रहे, जेल भी जाना पड़े, पेरोल पर आए हैं, लेकिन जेल पर भी रहेंगे तो हम धरना पर रहेंगे। और आज हमारे बड़े भाई हरेन सिंह भी आज उपस्थित है, कबर हम लोग इंतजार कर रहे थे, एवं तमाम हमारे सातों पंचायत के मुखिया प्रतिनिधिगण एवं तमाम हमारे पंचायत समितिगण, वार्ड सदस्यगण एवं तमाम हमारे सातों पंचायत के अभिभावक, नौजवान साथी, किसान भाइयों, आज जो बातें जो उभर कर आई, सभी वक्ताओं ने अपने अपने बात को रखे और मुझे विश्वास है, खुशी है, हर्ष है कि आज तमाम हमारे सातों पंचायत के गोंदी से भी हमारे अभी देखे भाई लोग पधारे हुए हैं, उदयपुरा से भी आए हुए हैं, जो हम लोग सातों को पंचायत का प्रखंड बनाने का मांग जो हम लोग रखे हुए हैं, यह हमारे सारे तमाम लोगों का मांग है। अब उम्मीद है कि तमाम अभिभावक नौजवान साथी का विचार बन चुका है, बहुत से और खास करके मैं हमारे अभिभावक कभी भूल रहे थे, हमारे त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी, इनका जज्बा को तो सलाम करना चाहिए कि विकलांग होकर के भी जो प्रेरणा इनसे मिलती है, शक्ति मिलती है, हम उम्मीद करते हैं इनसे। R9 भारत के लिए सराजुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट, पिपरा टांड पलामू से।
सरकार की जल नल जल मीनार योजना जल संचय योजनाओं का सिर्फ दिखावा है। सरकार की योजनाओं में पंचायत प्रतिनिधि व पंचायत सचिव के खेल में खुल रही है पोल। कहने को तो जल ही जीवन है, हर दीवार लिखा हुआ रहता है। यहाँ तो गाँव के लोगों के साथ जीवो गरीब समस्याओं से जूझ रहे हैं। पानी टंकी है पर पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ ग्रामीण आक्रोश में है। और हम बात कर रहे हैं साहिबगंज के तालझारी प्रखंड के पोखरिया पंचायत के अंतर्गत धमधमिया स्टेशन टोला के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 1.5 साल से हमारे यहाँ का जल मीनार खराब पड़ा है। स्थानीय मुखिया व पंचायत सचिव को भी शिकायत करने के बावजूद भी ठीक नहीं कराया गया। वहीं ग्रामीणों ने प्रखंड व जिला प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि ये जल मीनार को अत्यावश्यक समझकर जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को जल की समस्या से निजात मिल सके। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये जल मीनार आज मोटा मोटी 3 साल हुआ है, जिसमें 1 साल हम लोग को पानी मिला है, 1.5 साल से खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। पानी के लिए हम लोग यहाँ लगभग 300 ग्रामीण जो हैं, बहुत ज़्यादा पानी का किल्लत है और दिक्कत में हम लोग हैं। लेकिन इस गांव में क्या एक ही जल मीनार के भरोसे से ही गांव वाला जीते हैं, या फिर यहाँ और भी नलकूप वगैरह कुछ का सुविधा है? यहाँ नलकूप है लेकिन यहाँ से दूरी पड़ता है, दूरी पड़ता है। पूरे गांव के लिए जो है संभव नहीं होता? नहीं, पूरे गांव के लिए संभव नहीं है। ये जल मीनार से प्राय मोटा मोटी 70 घर का जीवित मने रहते हैं। मामले को लेकर आप लोग कहीं शिकायत किए हैं? मौखिक रूप से पंचायत सचिव को बोला गया था, कोई एक बार बोले, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। जिला प्रशासन से और प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि ये जल मीनार बहुत अति आवश्यक है, नहीं बनने से ग्रामीण बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार साहब है। ग्रामीण है? हाँ, हम ग्रामीण। R9 भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज झारखंड से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।